हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान प्लस चैनल। तो आज हम बात करेंगे UPSC वीडियो के रिजल्ट के अपडेट को से संबंधित कि क्या आज ही जारी होगा रिजल्ट, आयोग की पूरी तरह से सूचना कब तक जारी होगा वीडियो का रिजल्ट, तो इसी पे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है अपडेट वीडियो का रिजल्ट से संबंधित। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो का रिजल्ट जारी करने की अंतिम जो डेडलाइन थी वो अगस्त के तीसरे सप्ताह थी, लेकिन अगस्त के तीसरे सप्ताह का आज शनिवार यानी कि अंतिम दिन है। कल छुट्टियां थी ऑफिसों में, आज शनिवार है, आज अंतिम दिन है, आज ऑफिस खुला रहेगा। तो आज उम्मीद है कि एक बड़ा धमाका होने की। जी हाँ, वीडियो के रिजल्ट में करीब 10 लाख से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं। जुलाई में भी आयोग ने कहा था कि रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन अब वीडियो के रिजल्ट का अंतिम स्टेज पे आ चुका है। जी हाँ, आज जो हमें सूचना जो मिल रही है कि आज आयोग द्वारा वीडियो का रिजल्ट शाम तक जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, देर शाम तक वीडियो का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। आयोग की तरफ से जो खबर मिल रही थी कि अभी कल कल ही रिजल्ट आ जाता, लेकिन छुट्टी की वजह से नहीं आया है, लेकिन अब आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है क्योंकि आयोग द्वारा रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। आयोग ने पहले बताया था कि हम तीसरे सप्ताह में कैलेंडर के जारी किया था, उसमें कहा था कि तीसरे सप्ताह तक हम रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद जो 6 अगस्त को महाधरना हुआ था जिसमें कि ये अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे, वहाँ पे भी खबर निकल के आई थी कि आयोग कोशिश कर रहा है कि तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तीसरे सप्ताह में काफ़ी दिन निकल चुके हैं, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो गए। आज अंतिम दिन है, अगर आज रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाना चाहिए और उम्मीद है पूरी कि अभी जो कल रविवार है तो कल भी ऑफिस बंद रहेगा, तो निश्चित रूप से आज आपका रिजल्ट कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा यहाँ से, और आयोग की तरफ से तैयारी पूरी तरह से कर ली गई। तो आपको कैसे आयोग द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो आपको सिंपल से बात है रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस। आप सिंपल सा आयोग की वेबसाइट पर जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे एक लिस्ट रहेगी, जैसे रिजल्ट का यहाँ पे अपडेट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस क्लिक के बाद आपको कुछ खुलेगा यहाँ पे, तो उसके बाद आप अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लेकिन वीडियो के रिजल्ट से संबंधित जो पिछले 8 महीनों से लुका छुपी का खेल चल रहा है वो निश्चित रूप से अब समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि आयोग लगातार पिछले 2 महीने से वादा कर रहा है कि हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया। पहले आयोग ने बहाना बनाया कि हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट से मिलान कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बहाना बनाया कि जब मिलान पूरा हो गया तो उन्होंने बहाना बनाया कि हम शुचिता को एग्जाम में शुचिता तथा सही अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के लिए हम अभ्यर्थियों को फिर से रीचेक कॉपी करवा रहे हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, उनका पूरा डाटा देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वीडियो का आयोग बार बार बहाने बनाता है क्योंकि वो रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। अब निश्चित रूप से आज उम्मीद है, अभी पिछले सप्ताह हमने देखा कि कोर्ट में भी जो मैटर गया था 2016 की भर्ती में, उसमें OMR में नंबर का हेर फेर किया गया था, और तो आयोग ने आदेश जारी किया था कि अभ्यर्थियों को OMR की प्रति सौंप दी जाए, तो अभी तक आयोग ने उसका पालन नहीं किया है। लेकिन निश्चित रूप से जो 2018 के वीडियो का रिजल्ट है अब संभावना होगी, क्योंकि 22-23 दिसंबर की परीक्षा के बाद अभी तक रिजल्ट का इंतजार अभ्यर्थियों को चल रहा है, और उम्मीद है कि अब आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा और पूरी पूरी इसकी संभावना जताई जा रही है। तो ये रही अपडेट आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।